नमस्कार दोस्तों, नौकरी सीरीज़ वीडियो नंबर 9। नौकरी सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है। वीडियो नंबर 8 में मैंने टाइमलाइंस बताई थी, अगर आपको नौकरी छोड़नी है तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग टाइम पे नौकरी छोड़ते हैं। एंड में मैंने बोला था अगर मेरे को 200 लाइक्स आएंगे, जो कि आ गए हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए टू गेट इन टू अ जोन और अ स्पेस वेयर यू कैन लीव द नौकरी इफ़ यू वॉन्ट। बहुत लोग पूछते हैं मुझे क्या करना है, मैं नौकरी छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ, छोड़ नहीं पाते, क्या करना चाहिए। क्या करने वाले भी वीडियोस बनेंगे लेकिन उनका स्कोप बहुत वाइड हो जाता है कि क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैं आज वो 10 पॉइंट्स लेकर आया हूँ, आपको ये 10 के 10 पॉइंट्स को आपको देखना है। पॉइंट नंबर 9 और 10 तो नॉन नेगोशिएबल हैं, वो तो आपको नहीं करने हैं। और टॉप जो 8 हैं उनमें से भी अगर आप मोस्टली जो एडवाइस है उसको फॉलो कर लेंगे तो यू विल बी दैट मच बेटर प्रिपेयर्ड। सबसे पहले आपको जब भी जिनकी नौकरी 2-4 साल पहले लगी है, कई लोगों को 10-15 साल हो गए होंगे ऑडियंस को, कईयों को 15-20 हो गए होंगे, आपको ये देखना और समझना है द वे इकोनॉमी इज़ गोइंग, नौकरी आपको आगे छोड़नी ही पड़ेगी बिकॉज सिचुएशंस ही ऐसी हो जाएंगी। जो 4 साल की अभी नौकरी हुई है एंड ही इज़ ओके विद द नौकरी, उसको ऐसा लगता नहीं कि मेरे को कभी छोड़नी होगी। हो सकता है ना छोड़नी पड़े, लेकिन एक पाथ पे तो उसे चलना पड़ेगा लाइफ के, क्योंकि अगर उसने वो वाली चीज़ें कर दी जो मैं मना करने वाला हूँ, देन ही विल और शी विल नॉट बी एबल टू लीव। तो सबसे पहला 10 में से मेरा फर्स्ट चीज़ क्या आ रही है, आपके जितने भी प्लान्स हैं जीवन के वो 60 ईयर्स के हिसाब से मत बनाओ, वो आप बनाओ 45 ईयर्स के हिसाब से। आप ये सोचो क्रिकेट का मैच है, 50 ओवर की जगह 40 ओवर में रन बनाना है। अपने मन को 45 ईयर्स तक लिमिट लगा दो कि उस अपने गोल्स, फिनेंशियल गोल्स, जो भी चीज़ हैं उनको आप कम कर लो, उसको वहाँ तक एक्स्ट्रापोलेट मत करो। ये पहली चीज़ है, तो प्लान्स मत बनाओ वहाँ तक के। दूसरा, जब भी आप घर खरीदो अपनी औकात के से नीचे खरीदो, जो आप समझते हैं। पहली बात तो हर आदमी मेरे हिसाब से अपनी औकात, जो मेरे जितने भी कंसल्टेशन में आया है, सब लोग 19 से 20 करते हैं और 21 भी करते हैं। लोग ये भी कहते हैं भाई घर खरीदना एक बार के लिए, लेकिन जो नौकरी छोड़ने वाले हैं, जो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 40 ईयर्स के बाद आपको नौकरी, 42 इज़ द गोल्डन दैट फिगर, वो उसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, मैं कभी वो भी बताऊंगा। तो उसमें अगर आपको छोड़नी है तो घर आपका शायद 60 में दोबारा भी अच्छा वाला आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चों का सेटलमेंट का हिसाब क्या होता है। तो यू शुड गो फॉर अ डिसेंट हाउस, डू नॉट गो फॉर समथिंग वेरी एग्जॉर्बिटेंट टू जस्ट टू इम्प्रेस द पीपल, आपको फिर आज़ादी नहीं मिलेगी। ये चीज़ याद रखना। और इसमें जो महिलाएं हैं वो पतियों को फंसा देती हैं कि नहीं बड़ा होना चाहिए, नहीं किचन थोड़ी और बड़ी, नहीं मुझे और भी थोड़ा बड़ा, फिर वो बच्चे निकल जाते हैं ना, तो महिलाएं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से सफ़र करती हैं। वो भी साइकोलॉजिकल, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो दिस टर्म एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिट। तीसरा चीज़, कार जी आप मिनिमम 15 साल चलाएं और अपने नौकरी के पीरियड में 2 कार से ज़्यादा ना खरीदें। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कौन सी कार लेनी है नहीं लेनी, कार लो, एक भी नहीं लेने को बोल रहा, 2 लेने को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रीज़न बताऊँगा कि वो ज़रूरत पड़ेगी आपको 2 की। तो शुरू में 5-6 साल एक कार से काम चलाया, थोड़े पैसे आए, एक डिसेंट और अच्छी अपग्रेड कार ले ली, पहली वाली को फेंकना नहीं है। लोगों को ये बहुत हो रखा है कि कार चलाई, ये छोड़ी, फिर एक नई ले ली। लाइफ में ना ये जो नौकरी का दुख दर्द मिलता है, जो आपके रेज मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, वो आपको लगता है इसमें डाल देता हूँ। या कई लोग क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं वो फॉरेन पोस्टिंग आ जाती है, कहीं अलाउंस ज़्यादा मिल जाता है, उसको तो वो पैसा काउंट ही नहीं करते। ये नौकरी वालों का बहुत खराब माइंडसेट है। डू नॉट रिवॉर्ड योर सेल्फ विद बिग कार्स, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कार्स, देन यू विल नेवर बी एबल टू लीव। ठीक है, आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो एक अच्छी नौकरी में लग जाते हैं, लेट से ग्रुप ए नौकरी में लग गए सरकारी उसमें, या किसी और अच्छे में लग गए, वो मैं उनको देखता हूँ कि
जस्ट दिखाने के लिए टू द वर्ल्ड कि हम अच्छी नौकरी में लग गए, क्योंकि एक स्ट्रगल के बाद नौकरी लगती है, बहुत कंपटीशन देना है आपको, बहुत मेहनत करनी है, वो 17-18 साल से लगे हुए हो आप, बचपन में पापा मम्मी ने भी शायद बहुत चीज़ें ना दिलाई हों, ठीक है, वो एक पेंट अप अंदर से वो होता है, वो 27-28-30 साल में निकलता है इन फॉर्म ऑफ समथिंग, इस तरह का खर्चा, तो इसको आपको माइंडफुली करना है, ये नहीं करना। चौथी चीज़, ये पाँचवीं चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रेंडशिप अपने नौकरी के सर्कल में नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी है। आप जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, बहुत लोग इस पर विरोध भी करेंगे, बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब आपको आज़ादी चाहिएगी तो जो आपके साथ सहकैदी हैं इनसे ज़्यादा दोस्ती करके फ़ायदा नहीं है, दूसरी जगह जो दोस्ती, बाहर के लोग जो अलग काम कर रहे हैं उनसे दोस्ती करिए। अब लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ी सेल्फिश है जीवन में, यस, आपको लाइफ में अगर तरक्की करनी है तो थोड़ा अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी पे तो वो नौकरी की बात ही होंगे, उसी कुलीग को आप दफ्तर में देखते हैं, उसी को घर में देखते हैं, उसी के घर में जाते हैं, उसी से बात करते हैं, बड़ा सहज है ना, इजी है करना, पर पहले टाइम्स अलग थे। आज के दिन यारी दोस्ती आपकी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली, क्यों फिजिकली छूने की ज़रूरत नहीं है ना दोस्त को हर बार की, हाथ ही मिलाना है रोज़, तो वो सस्टेनेबल हो चुकी है। हैव फ्रेंड्स, नहीं तो acquaintances who are in diverse fields, in diverse places, because they will be the people who will be giving you things and knowledge, जो आपको जब छोड़ने की बारी आएगी तो आइडियाज़ इनके थ्रू आएंगे, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, स्पेशली सरकारी नौकरों के लिए तो बहुत ज़रूर है, जो घूमते रहते हैं अपने अलग 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 जगह घूमते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं दुनियादारी का क्या हो रहा है, छोटे शहरों में जो घूमते हैं, बहुत सरकारी नौकर होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनको दोस्ती अपने उनमें नहीं रखनी है कि फ्राइडे को आए दारू पी ली, पार्टी कर ली, सैटरडे को फिर एक दूसरे के घर जा रहे हैं, और बस वही, फिर वो उसमें क्या होता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स, वो एक स्पाइरल है। आपको डिटैच्ड रहना है, आपको नहीं करना है, और जिसको करना है करो, फिर वो नौकरी से आज़ादी सडनली नहीं मिल जाएगी कि 20 साल में ओहो मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ होगी, अब मुझे छोड़ना नहीं छूटेगी फिर, क्योंकि आपने वो जीवन का टाइम यहाँ इन्वेस्ट करने की जगह वहाँ इन्वेस्ट किया। तो मैं बता रहा हूँ, छठा पॉइंट है, आपको जीवन में स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज़ पर नहीं जाना है, इन्वेस्टमेंट में, मतलब कितनी भी अच्छी है आपको नहीं समझ में आती आप मत खरीदो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट करे बिना आपसे छूटेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। बट इन्वेस्टमेंट में जो इंसान नौकरी वाला है, अगर आप फंस गए कहीं पे, तो वो फिर आपकी जर्नी उतनी आगे चली जाती है, अगर आप फंसते नहीं, मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए, और दूसरी जगह आप सिंगल 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 लेके अपना ठीक ठाक रन बना के निकल सकते थे, तो ये आपको बहुत केयरफुल रहना है। एंड वो क्या होता है, वही दोस्ती यारी का वही फ़ायदा होता है, जब वही अपनी नौकरी करने वालों की ही सुनोगे तो जितने इग्नोरेंट वो हैं जो एक सर्कल में उधर ही दोस्ती कर रखी है आपने, उतने ही इग्नोरेंट आप हो, या जितने इंटेलिजेंट वो हैं उतने ही आप हो, तो वो भेड़ चाल के अंदर लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे, और भेड़ चाल में लोग बहुत नंबर्स में लोग बहुत कंफर्ट होते हैं कि यार अशोक ने वहाँ किया, रवि ने वहाँ किया, रोहित ने भी कर दिया, अभिषेक ने भी कर दिया, उसने भी, सब ने कर दिया, दफ्तर में सब कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ, तो ये चक्कर में लोग फंसते हैं। कई उनकी घर की रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपको नहीं पता कि उसके पिताजी उसको सारी धन दौलत नछावर करने वाले हैं, वो तो अपना निकल जाएगा, या वो गधा है इतना है कि वो निकलना ही नहीं चाहता, मे बी दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो यू शुड नॉट गेट इन टू स्पेकुलेटिव। उसके बाद एक आता है, ये अगेन कुछ लोगों को लगेगा, सातवां पॉइंट है, आपको नशा नहीं करना है, या करना है तो बहुत कम करना है। जितने लोग नशा करते हैं, दारू और सिगरेट का और जो भी इस तरह के नशे करते हैं, रेगुलरली करते हैं, इन्जॉय करते हैं करना, उनसे नौकरी नहीं छूटती, ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप करते हैं तो फिर आपसे नहीं छूटने वाली। अब इसके कई रीजंस हैं, वो मैं करूँगा तो अपने में ही एक वीडियो बन जाएगा, अगर आप चाहते हो इसका वीडियो कि भाई नशा करने से क्यों ऐसे क्या होगा तो बता देना, बिकॉज विद एज वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और वो जो ब्रेन का आपकी रिक्वायर, बिकॉज नौकरी इज़ अ सेफ्टी नेट, वो तनख्वाह आपकी आई रही है, ठीक है, और आप वो बार बार नशा करने में आपकी सेल्फ ग्रोथ होनी ख़त्म हो जाती है, और वो डर पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो बंदा नशा करता है, व्हेन ही गोज़
कंटिन्यूसली ऑन दैट पाथ, विद एज सिस्टम नॉर्मल नहीं रहता, फिर उसको यार दोस्त भी चाहिए, उसकी बातें भी कुछ अलग तरह की, अलग ही सिस्टम में चला जाता है, फिर वो ही और शी कैन नॉट डू मच, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं ओवरकम कर सकते इस पॉइंट को, तो फिर कहानी आपकी मुश्किल है और अपने फिर तो लगे रहो चक्की पीसिंग में, फिर आज़ादी नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है आठवां पॉइंट, आप अपने जीवन का टाइम वेस्ट मत करो, नहीं करना है आपको। स्पेशली सैटरडे संडेज आप कैसे यूटिलाइज करते हो, नॉर्मली तो ऐसा नौकरियों में वो भी आपसे ले लिया जाएगा। एम्प्लॉयर्स का सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कॉरपोरेट जो भी हो, सरकार जो भी एम्प्लॉयर है उसका काम है आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं देना, थका इतना देना कि अगर, क्योंकि जब एम्प्लॉय सोचने लग जाएगा तो जो हम आगे चल रहे हैं गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आपसे जो काफ़ी 15-16 मतलब जो कहते हैं ना 19-20 जो आपसे काफ़ी नीचे थे, दे विल बी डूइंग वेल बिकॉज द इकोनॉमी विल बी गिविंग दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो जो बच्चे अभी लग भी रहे हैं 4-5 साल के, उसमें अगर इफ़ दे प्रिपेयर वेल दे कैन गो दिस साइड वेन इफ़ द अपॉर्चुनिटी कम्स। क्योंकि इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि नौकरी लेना ईजी नहीं है, अगर आप नौकरी में जा रहे हैं और नौकरी आपको अच्छी मिल रही है तो यानी आप में कुछ तो है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। कल को ये कॉम्पिटिशन यहाँ पर एक अलग तरह का हो जाएगा, जहाँ लोअर स्ट्रेटा से लोग ज़्यादा आके नौकरी करना चाहेंगे। मैं अपना ऑडियंस मिडिल क्लास पकड़ रहा हूँ, अगर आप अफसर के बेटे हैं या बेटी हैं और आप अफसर ही बन रहे हैं तो कोई तरक्की नहीं हो रही, इस चीज़ को याद रख लेना, एंड ना आपको उतनी खुशी होगी। एक नीचे वाला परिवार है, जब उसका बच्चा एक ग्रुप ए अफसर बनता है वो परिवार पूरा ऊपर आ जाता है एंड एकदम ओवरनाइट चेंज हो जाता है। अगर चपरासी का बच्चा आईएएस लग जाए या रिक्शा वाले का लग जाए या कोई भी इससे, तो सडनली उसकी लाइफ में बहुत चेंज आता है एंड दैट इज़ नाउ गोइंग टू हैपन, दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। बट अगर आप, पहली बात तो अगर हैं भी और अगर आप बन भी गए किसी अफसर, तो आपकी लाइफ में उतना नहीं आने वाला, उस पर एक अलग टॉपिक बनेगा। नौवां पॉइंट, ये नौवां पॉइंट बहुत ज़रूरी है और दसवां सबसे ज़्यादा, ठीक है, ओनली 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट नाउ। आपको प्रमोशन के पीछे भागेंगे आप नौकरी में, या इज्जत के पीछे भागेंगे, फिर नौकरी छूटेगी भी नहीं। प्रमोशन हो जाए वो अलग बात है, पर आपको अगर उसके उसकी लालसा में आप घुस गए तो वो एक ऐसा है, एप्रिसिएशन और प्रमोशन एक ऐसी चीज़ है कि वो मिल भी जाएगा और मिलने के बाद भी आपकी लाइफ सेट नहीं होगी जो आप चाह रहे थे। क्योंकि जितने भी हायर पोजीशंस पे लोग गए हैं, आप कभी भी इनसे खुल के इंटरेक्ट कर लेना, क्योंकि क्या होता है अगर आप लोअर कर्मचारी हैं, सीनियोरिटी में लो हैं, तो इतने खुल के बात नहीं कर सकते। मेरी तो सबसे खुल के होती है बात, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा आप ये कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने सर्कल में ही बात करेंगे। देयर फीलिंग ऑफ लूजिंग आउट इज़ वेरी वेरी मच एंड उनको भी पता चलने लग जाता है एक स्टेज पे कि भाई ये बन तो गए लेकिन ऐसा कोई स्वाद और परमानेंसी है नहीं। तभी आपने देखा होगा लोगों को क्लिंग ऑन करते हुए, 60 साल हो गए फिर एक्सटेंशन दे दो, 2 साल दे दो, 4 दे दो, एक पोस्ट दे दो, यहाँ लटक लो वटक लो, वो स्वयं से ही दूर हो जाते हैं, स्वयं से दूर हो जाते हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, स्वयं से दूर हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो वो बड़ा डेंजरस और वो खालीपन है, फिर लाइफ निकलती चली जाती है। मेरा मानना ये है कि नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितनी नौकरी करनी ज़रूरी है, मैं मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, उतनी ही नौकरी को टाइम पे छोड़ना भी ज़रूरी है, उसको क्लिंग ऑन करके रखना ज़रूरी नहीं है। व्हेन आई से नौकरी छोड़नी है, दैट डजंट मीन कि नौकरी छोड़ के घर पे बैठना है, आई होप दैट इज़ क्लियर, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं उसमें टच करूंगा। और 10th मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी वाइफ को हाउसवाइफ नहीं बना के रखना है अगर आपको नौकरी छोड़नी है। अगर आपकी वाइफ हाउसवाइफ है, आपसे कभी नौकरी नहीं छूटेगी। अब लोग बोलेंगे जी हमारी तो अभी 15 साल हो गए, अभी तो हाउसवाइफ ही है, पर मैं क्या कभी, हाँ आपको ये देखना है, जब भी आपको नौकरी छोड़नी है, जो भी आपकी वो टारगेट एज है, टारगेट टाइम है, उससे मिनिमम 5 साल पहले, 5 साल का आपको ओवरलैप चाहिएगा, आपकी वाइफ शुड बी अर्निंग। आई एम केयरफुली यूजिंग द टर्म अर्निंग, आई एम नॉट सेइंग वर्किंग, वर्किंग में लोग सोचते हैं नौकरी, अर्निंग मतलब शी कैन बी अर्निंग थ्रू एनी सोर्स, एनी टाइप्स ऑफ सोर्स, कोई भी काम धंधा।
घर में, चाहे वो मैं उनके महिलाओं के ऊपर भी मेरे पास कंटेंट बहुत है कि क्या क्या वो काम कर सकते हैं, बिकॉज वो काम जब हिट होने लगेगा तो आप उसके सहारे पे निकल सकते हो। सबसे मैं मिडिल क्लास के लिए सबसे मैं बेसिक जॉब मानता हूँ एक टीचर की, ठीक है, किसी स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में टीचर। अगर लेडी 35-40 हज़ार रुपये भी कमा रही है, वो भी बहुत हिम्मत दे देती है पति को नौकरी छोड़ने की। अगर उसकी कंसिस्टेंट 35-40 हज़ार इनकम आ रही है, और अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो ऑफकोर्स हो जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि भाई सरकारी नौकरी वाला है, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, या प्राइवेट नौकरी वाला है। प्राइवेट नौकरी वालों को भी 42-43 इज द एज वेयर दे शुड बाय दैट टाइम बी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। अगला वीडियो मेरा रहेगा, दो वीडियोस में बनाना चाहता हूँ, ये वाला कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक तो करो ही करो, कमेंट्स भी लिख दो। अगला वीडियो में जो दो बनाना मैं चाहता हूँ, दोनों में से बता देना आपको कौन सा चाहिए या दोनों ही चाहिए। एक तो सरकारी नौकरी को क्यों बाईपास कर दिया जाए मिडिल क्लास के बच्चों द्वारा, मतलब जो कहते हैं ना पास कर दिया जाए, एंड उसके बहुत रीजंस हैं। मैंने 7 रीजंस आइडेंटिफाई करे हैं सरकारी नौकरी के, कि हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अगर हम मिडिल क्लास हैं, हमारे मिडिल क्लास के बच्चों को सरकारी नौकरियों के पास जाना भी नहीं चाहिए, और वो नहीं तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहेंगे लाइफ में, एंड वो एक तरह से फेलियर होगा। तो आप लोगों को देखना है कि ये वाला वीडियो है, और दूसरा वीडियो मेरा रहेगा कि आपको नौकरी में अगर छोड़ना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें अब करनी हैं, वो मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें करने का काम एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। पहले माइंडसेट क्लियर करना है, फिर आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत काम करने हैं उसमें। इसलिए पहला वीडियो मैं बनाना चाह रहा था कि ये 10 चीज़ें बता दूं। अगर आप लोग इसमें अच्छी लाइक्स, अच्छा फीडबैक दिला देंगे, आई विल कंटिन्यू द सीरीज़, एंड दिस सीरीज़ का एम है आपको लाइफ में खुशी की तरफ ले जाना, क्लैरिटी की तरफ ले जाना। थैंक यू।